पिछले एक घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ टी मॉर्टन की कॉफ़ी लेने के आया हूँ और इतना रश है। दो दिन पहले ना यहाँ पे इवन कल तक यहाँ पे टेम्परेचर था कनाडा का टोरंटो का 25 डिग्री। जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। दो दिन पहले ना यहाँ पे इवन कल तक यहाँ पे टेम्परेचर था कनाडा का टोरंटो का 25 डिग्री विद अ लॉट ऑफ सनशाइन। यहाँ तक के गोरों को यहाँ के गर्मी लगने लगी थी और वो बीच पे भाग पड़े थे, यानी कि घरों के एसी, बसेस के एसी, हर जगह एसी जो है वो चल पड़े थे। लेकिन ठीक है, एक दिन बाद आप यहाँ का टेम्परेचर देख सकते हैं, दोबारा स्नो शुरू हो गई है काफ़ी तेज़ हवा के साथ और अभी -5 टेम्परेचर है यहाँ का। तो ये है कनाडा का मौसम। यहाँ पे आपको वेदर का पता तक नहीं चलता कि आज धूप है, 25 टेम्परेचर है कल, तो एक दिन बाद -5 पे डायरेक्ट आ जाओ। अच्छा, जब आप नए कनाडा में आते हैं ना, आपको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे ना 3 W's पे कभी ट्रस्ट मत करना। उनमें से 1 W सबसे पहला वेदर है, कि आज गर्मी है तो कल स्नो होगी यहाँ पे। दूसरा उनमें से जॉब वर्क, आज आपके पास जॉब है तो कल आपके पास जॉब नहीं है। और तीसरा है कि वुमेन, आपकी जो गर्लफ्रेंड है चाहे लड़की है जो भी है, आज आपके साथ है कल किसी और के साथ। तो यहाँ पे जब भी आप नए होगे ना, आपको हर कोई सबसे पहले यहाँ पे यही बताएगा भाई इन 3 W's पे कभी ट्रस्ट मत करना। कैनेडा के साथ जो है हल्का हल्का सूरज भी निकल रहा है, हल्का हल्की जो है धूप आने लग गई है स्नो के साथ। अच्छा, तो आज बात करते हैं कि ना वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन कैनेडा। कैनेडा में वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स को आप पूरा देखें बल्कि शेयर भी करें बाकियों के साथ। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप जब नए कैनेडा में आते हैं तो ज़ाहरी बात है, हम जब भी नए भी कैनेडा में आते हैं तो हमें सबसे पहले जॉब की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग जो है डेस्परेट होते हैं जॉब के लिए भी, पैसा कमाए, कैश फ्लो आना चाहिए, जो मर्जी जॉब मिल जाए हमें करनी है तो बस करनी है। इवन के कई लोग यहाँ से खासतौर पर पंजाब से, इंडिया से उधार लेके आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच के आते हैं ताकि यहाँ पर आप कमा के वापस भेज सकें। तो वो फिर जो भी इनको जॉब मिलती है यहाँ पे वो सब करने के लिए रेडी है। मैं आपको बताता हूँ कि आप जब नए आएँ तो आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कि कैनेडा में जो पार्ट टाइम जॉब है काफ़ी सख्त और काफ़ी फास्ट मूविंग जॉब है, यानी कि फास्ट पेस इन्वायरमेंट होता है, आपको काफ़ी तेज़ काम करना पड़ता है, आपको सुपरवाइज़र हमेशा आपके जो है सर पर ही रहेगा, आपको किसी से बात करना अलाउ नहीं होता, आपको फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं। वेदर का पता नहीं चलता, देखो अभी इतनी तेज़ स्नो पड़ी थी और अब अचानक जो है स्नो ख़त्म हो गई और धूप जो है वो हल्की हल्की निकल। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब्स की यहाँ पे। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ की जो पार्ट टाइम जॉब जिनके बारे में मैं आपको बताने लगूँ कि जो वर्स्ट किस्म की जॉब्स हैं यहाँ की, इनमें एक जॉब है वेयर हाउस की जॉब। यहाँ पर वेयर हाउस बहुत सारे हैं ओंटेरियो में, कनाडा में ना, तो आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपको अगले दिन से वेयर हाउस की जॉब इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज होती हैं जो अगले दिन से आपको काम पे लगवा देती हैं, स्पेशली समर में काम बहुत तेज़ होता है, विंटर में थोड़ा स्लो होता है। वेयर हाउस में आपने करना क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या करना होता है, कैसी जॉब। तो वेयर हाउस में आपने ये करना होता है कि आप जब जाओगे नहीं जाओगे, आपको एक दिन आपका सुपरवाइज़र जो है सारे डिपार्टमेंट्स घुमाएगा वहाँ के, और अगले दिन से आपको ना किसी भी वहाँ पर बेसिकली ये होता है कि मशीनें होती हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप कोई गाड़ी के पार्ट्स बनाने की कंपनी है, वहाँ पर गाड़ी के पार्ट्स आते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका, मेक्सिको, हर जगह। तो उसमें ये होता है कि एक मशीनें लगी होती हैं हर जगह, वहाँ से ना बॉक्सेस बन के आते हैं और आपको एक क्रेट दे दिए जाते हैं, बड़े क्रेट्स होते हैं वुडन के, जिनको तोड़ के आपने गाड़ी के पार्ट्स उनमें पैक होते हैं, आपने उनको उठाना होता है और जो बॉक्सेस बन के आ जाते हैं आपने उनको उसमें डालते जाना होता है। तो फास्ट पेस इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट होता है, मशीन एक मिनट नहीं बंद करते ये लोग, आपके पास जल्दी जल्दी से पार्ट्स जो है निकालने हैं, काफ़ी फिजिकल डिमांडिंग जॉब होती हैं, हैवी पार्ट्स होते हैं, आपने निकालना है, बॉक्सेस के अंदर पैक करना है और उसको ना नीचे एक स्किड होती है, वुडन स्किड होती है, आपने उस पर अरेंज कर देना है और फिर दूसरा बंदा आएगा जिसकी अलग जॉब होगी, वो आएगा उसको उठाएगा और चला जाएगा। आपने 8 घंटे बस यही काम करना है कि पार्ट्स बन के आ रहे हैं आपने हाथों से उठाना है और बॉक्सेस में पैक हाउस होता है जहाँ पर प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, कप्स बन गए, प्लेट्स बन गई, आपको क्या होता है कि बिल्कुल उसी तरह लाइन पर लगा दिया जाता है जो मशीन की लाइन होती है, वहाँ पर मशीनें चल रही होती हैं जो है उनमें से ऑटोमेटिकली जो प्लास्टिक कप्स होते हैं वो बन के निकल जाते हैं और इतनी स्पीड से निकलते हैं कि अगर आपने एक मिनट भी उन कप्स को बॉक्सेस में डालने से लेट हो गए या किसी से बातें करने लगे तो कप्स जो है ना वो सारे फ्लोर पर जमा हो जाते हैं, गिर के आपको ही साफ़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ काम होता है वेयर हाउसेज़ का। उसके अलावा फ़िज़िकल डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, आपको 30 पाउंड 40 पाउंड इवन के 50 पाउंड तक भी आपको उठाना पड़ता है वज़न, जो कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम है ये वाला।
ठीक है आपको पैसे मिल जाते हैं और मिनिमम वेज होती है यार 16-17 से स्टार्टिंग होती है, तो जो कि स्टार्टिंग के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ये तो हो गया वेयर हाउस का, इसके अलावा हो गई हमारी फास्ट फूड चेन। फास्ट फूड चेन में सर जैसे आ गया मैकडोनल्ड आ गया, यहाँ पे टीम हॉर्टन आ गया, कॉफ़ी वाला आ गया, उसके बाद पोपाइज आ गया, तो ये फास्ट फूड जो है ना चेन था यहाँ पे। यहाँ का काम भी बहुत जो है फास्ट होता है, ईजी नहीं होता काम यहाँ पे करना, फास्ट पेस इन्वायरमेंट होता है। आपको क्या होता है आपको पूरा दिन 8 घंटे आपको अगर आप किसी भी मैकडोनल्ड में हैं या पोपाइज में हैं तो पूरा दिन आपको किचन की जॉब दे दी जाती है। उसमें ये होता है कि आपको मीट आ रहा है, मीट में आपको हाथ जो है मारना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, उसके छोटे छोटे पीस बनाने पड़ते हैं, पूरा 8 घंटे आपका यही काम होता है। या फिर आपको लगा दिया जाएगा फ्राइज़ बनाने में, आपने गर्म तेल के साथ जो भी उनका तेल होता है आपने फ्राइज़ बनाते रहना है पूरे 8 घंटे, तो कि जो कि काफ़ी रिस्की काम भी है, आपके हाथों पर भी जा सकता है, टच भी हो सकता है। जो कि यहाँ पर कहा जाता है कि हर जॉब में सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, आपने अपनी सेफ्टी देखनी है फिर कोई काम करना है। यहाँ पर सेफ्टी का जो है ना बहुत ही सेफ्टी पे कोई कम्प्रोमाइज़। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई जॉब्स ना हमारे मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होती हैं, यानी कि अगर आपको यहाँ का बैकन हो गया, पोर्क हो गया, आपको उस पर लगा दिया गया, आपने उसको टच करना है, उसको उठा के रखना है, उसके अगर रेस्टोरेंट पे काम करते हैं आप किसी, तो आपने उसको कटिंग करके उसको मीट बना के रखना है, तो ये हमारे जो है ना काफ़ी लोगों के मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ होता है, जिनको वो टच करना भी पसंद नहीं करते। तो लेकिन मजबूरी में यहाँ पर लोग करते हैं क्योंकि जॉब्स हैं वो कर रहे हैं, तो उनको सब काम करना पड़ेगा यहाँ पर। आप जॉब पर अपने मैनेजर को ना नहीं इसलिए जानता हूँ क्योंकि ना मेरे साथ काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब ना मुझे बताते रहते हैं मेरी कंपनी में जो जॉब्स करके यहाँ पे आए हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि यहाँ पे कैसी कैसी जॉब्स हैं और कैसा कैसा आपके साथ बिहेव होता है, आपको क्या काम करना होता है। मेरी कंपनी की मैनेजर है ना मुझे कहती थी कि हमेशा यहाँ पे वो लोग जो मैकडोनल्ड में काम कर चुके हैं ना वो दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं, यानी कि आप खुद आइडिया लगा लो कि मैकडोनल्ड का काम कितना तेज़ और कितना मुश्किल काम होगा यहाँ पे। तो ये हो गई पार्ट टाइम जॉब। मोस्टली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी नया इमिग्रेंट आता है, वर्क वीज़े पे भी इवन के लोग आते हैं, जो भी आते हैं वो यही काम करते हैं शुरू में आके। मोस्टली 80% वेयर हाउस की जॉब्स होती हैं, उसके बाद रह गया टीम हॉर्टन हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, पॉपाइज हो गया, यहाँ पर जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स वो करते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुरू में ठीक है लेकिन उसके बाद आपका दिल खुद ही लगना ख़त्म हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको एक काम बता दिया जाता है, आपका डेली वही काम है। आप अगर 5 साल भी काम करोगे आपने डेली वही काम करना है, आप सुबह जाओगे आपको पता होगा आपने क्या काम करना है, एक ही लाइन पे आपने बॉक्सेस पैक करने हैं, आपने जो भी है, या अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपने मीट काटना है, किचन में काम लगा किचन का काम है तो आपने फ्राइज बनाने हैं, आप साल कर लो 2 साल कर लो आपको डेली यही काम करना पड़ेगा। और एट द एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने काम कर लोगे, 6 महीने काम कर लोगे, उसके बाद आपका सुबह उठ के खुद ही इन जॉब पर जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप नए आए हैं तो जो है फॉर टाइम बीइंग 5 महीने 6 महीने आप ये काम कर लो, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, नई जॉब्स ढूंढो यार, और जॉब्स ढूंढो, इन कामों से निकलो, पार्ट टाइम जॉब्स को छोड़ो, कोई और जॉब ढूंढो। बेशक पार्ट टाइम भी करनी है लेकिन वेयर हाउस की जॉब्स हो गई या रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हो गई, कॉफ़ी वगैरह की जॉब्स हो गई, मैकडोनल्ड की, इन जॉबों पे मत जाओ क्योंकि ये जॉबें सिर्फ स्टार्टअप के लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान है इनमें, आपकी जो है हेल्थ ख़राब हो जाती है, बैक पेन लोगों का शुरू हो जाता है, फिज़िकल डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, फास्ट इन्वायरमेंट जॉब्स होती हैं, तो ये जॉबें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पिंग 5 महीने साल इससे ऊपर आपने। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊबर भी कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, और ऊबर में आप पर आवर कितना बना सकते हैं, ऊबर करना ठीक है कनाडा में या नहीं है, लॉन्ग टर्म ऊबर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, इसका जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सारी डिटेल बताऊँगा। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपकी तरफ मौसम इस टाइम कैसे है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, take care, Allah. पिछले 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ टीम हॉर्टन की कॉफ़ी लेने के आया हूँ, और इतना रश है मुझे समझ नहीं आती कि इतना स्लो क्यों चल रहे हैं टीम हॉर्टन वाले। इस लोकेशन को छोड़ के मैं एक और लोकेशन पे गया हूँ, वहाँ भी ऐसा रश था, वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ा और मुझे 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, 1 घंटा इतना ही रश है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना रश है यहाँ पे, रात के 12 बज रहे हैं, मैं 12 बजे से लाइन में लगा हूँ, 12:45 हो चुके हैं, अभी तक बारी नहीं आ रही। देखो यार कितना ज़्यादा जो है इस टाइम रश है रात के, अभी तक बारी नहीं आ रही। अगर मैं पीछे से दिखाऊँ आपको इधर, लेकिन यहाँ पर भी लोग अभी से लाइनों में लगने लगे और काफ़ी लोग जो है ना वो
चले गए हैं वापस, गाड़ियाँ मोड़ के वापस निकल गए हैं, कौन इतना लंबा वेट करेगा। हाँ हाय, कैन आई गेट वन स्मॉल स्टीप टी डबल डबल? स्मॉल स्टीप टी डबल डबल, या फाइनली जो है ऑर्डर कर दिए, ऑलमोस्ट पौना घंटा 45 मिनट लाइन में लगने के बाद अब जाके ऑर्डर किया है, अब देखते हैं अब आगे कितना टाइम लगेगा। तो ये है, क्योंकि ठंड भी है तो लोग रात को, वैसे ही टिम हॉर्टन ऐसा ब्रांड है कनाडा का कि आप कुछ छोड़ ना मिले तो लोग कहते हैं चलो यार लेट नाइट है, अर्ली मॉर्निंग है, कॉफ़ी पीने ही निकल चलो। कॉफ़ी पी के ये हर कोई यहाँ पे जो है, साथ पार्किंग एरिया है, लॉट्स बने हुए हैं नीचे सबके पास, वहाँ पे चेयर्स होती हैं, गाड़ियों में रखी होती हैं, लोगों ने निकाल के बैठ गए, दोस्त यार होते हैं, चार चार पाँच पाँच लोगों का ग्रुप होता है, यहीं बैठ जाते हैं। समर नाइट्स पूरी पूरी रात जो होता है ना यहाँ पे, पूरा माहौल एक किस्म का बना हुआ होता है। फाइनली जो है कॉफ़ी मिल चुकी है। मैंने वजह पूछी उसे, मैंने कहा ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना बिजी क्यों है, तो वहाँ पे एक जो काम करने वाली लड़की थी उसने मुझे बोला कि यार मे बी ड्यू टू द रमज़ान, रमज़ान की वजह से मे बी, वो कहते हैं पूरा सीज़न जो है ना, पूरा मंथ इतना ही बिजी रहा है टिम हॉर्टन, क्योंकि हर कोई अफ्तारी करके मोस्टली रात को लोग निकलते हैं 12-1 बजे, तो ऐसी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ टिम हॉर्टन।